हेलो गाइस, दिस इज मोहित विनायक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाइयों, आज ना भाई यार बड़े दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं यार, क्योंकि ना मेरा थोड़ी तबीयत बहुत ठीक सी नहीं थी, तो इसलिए यार बीच में मेरी बहुत सारी वीडियोस आई भी नहीं है। तो यार आज मैंने सोचा यार बड़े दिनों बाद आज बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो एक वीडियो शूट की जाए। यार आज ना मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूँ, ना तो भाई वो सिडान है, ना वो हैचबैक है, ना वो एसयूवी में आती है, तो भाई ना वो क्रॉसओवर में आती है। बेसिकली मेरे को भी नहीं पता वो भाई क्या गाड़ी है, बट यार वो ना बेसिकली एक कमर्शियल व्हीकल आप लोग कह सकते हो, बट वो लाइक अगर फैमिली ने यूज़ करना वो फैमिली व्हीकल नहीं है। तो मैं इस चीज़ की वीडियो इसीलिए आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, क्योंकि भाई नॉर्मल गाड़ियों की वीडियोज़ तो कोई भी डालता है, भाई कुछ उससे डिफरेंट भी हमें करना चाहिए लाइफ में। और यार ऐसी गाड़ी की वीडियो मेरे को नहीं लगता शायद यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी, तो मैंने इसलिए सोचा यार कंटेंट शुड बी लिटिल बिट डिफरेंट। और अगर मैं इस वीडियो गाड़ी की वीडियो डालूंगा और आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज भी मिल जाएगी इस गाड़ी के बारे में, जो के लोग अगर कोई कमर्शियल व्हीकल यूज़ करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो वो इस वीडियो से पूरी नॉलेज गेन कर सकते हैं कि ये गाड़ी कैसी होगी। तो गाइज मैं बात कर रहा था मारुति सुजुकी इको की। तो आप देख ही सकते हो भाई, ना तो ये सिडान सेगमेंट की है, ना हैचबैक की है, ना एसयूवी की है। एसयूवी कह सकते हो, थोड़ी ऊंची सी है, पर यार नीचे तो टायर टूर तो देख लो कितने छोटे छोटे हैं। तो बेसिकली यार ये एक कमर्शियल व्हीकल है जो कि कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए। तो बेसिकली ये 5 सीटर होती है। और अभी ना सबसे पहले इस गाड़ी का भाई एक बार वॉक अराउंड ले लो। यार कुछ ऐसी दिखती है ये पीछे से, साइड से भी मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ। ये है भाई, ये देख लो भाई, साइड से कुछ ऐसी दिखती है। और सबसे मेन चीज़ यार ये सीएनजी वाली है, इसमें डबल सिलेंडर वाला सीएनजी लगी हुई है, जो इसमें दो दो सिलेंडर लगे होते हैं सीएनजी में। और भाई अगर हम इसकी माइलेज देखें सीएनजी पे, तो भाई 29 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, तो यार 29 नहीं 25 की माइलेज तो भाई ये आराम से देती होगी। तो फ्रंट भाई एक बार देख लो, कुछ ऐसा दिखता है भाई। और ये इस साइड से तो मैंने आपको दिखा दिया, ये साइड से ऐसी है यार ये गाड़ी। तो भाई अगर मैं इंजन के बारे में बताऊं, तो भाई इसमें ना 1200 सीसी का इंजन आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड, जो मारुति अपना बनाती है K12N वाला। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 BHP और 95 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। पावर पूवर तो खास है नहीं भाई गाड़ी में, बट कमर्शियल पर्पसेस के लिए इन सीएनजी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी यूज़ होती है उसके लिए बहुत अच्छी है। और मोर ओवर नेचुरल एस्पिरेटेड है, तो भाई डीजल इंजन जो होते हैं उसमें कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे ये पेट्रोल इंजन है इसमें कंपोनेंट्स बहुत कम होते हैं, तो वियर एंड टीयर होगा नहीं। तो भाई बेसिकली कोई भी बंदा अपना बिजनेस कर रहा है उसके लिए मीन्स ये गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया रहेगी, अगर वो सामान इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है तो। और जो इसकी फ्यूल की टंकी है भाई, आप हैरान हो जाओगे यार सुन के, 65 लीटर की फ्यूल की टंकी है और साथ में 2 CNG के सिलेंडर हैं। और माइलेज तो मैंने पहले आपको बताई दी है कि 25-26 तो यार आराम से दे ही देती है अगर हम इसको चलाएं। तो बेसिकली ये चीज़ है भाई इसके इंजन के बारे में। अगर हम फ्रंट के बारे में बात करें तो भाई बिल्कुल ही सिंपल है, फोग फूग लैंप नहीं आते। तो जो भी लाइट्स का सेटअप है ये देख सकते हो, ये भाई हेलोजन सेटअप के साथ ही आती है। तो इसके इसमें तो मैं भाई कुछ स्पेशल चीज़ आपको बता नहीं पाऊँगा। तो ऐसा दिखता है भाई इसका कुछ फ्रंट, ये देख सकते हो। और भाई अब इसके ना भाई एक बार साइड प्रोफाइल की बात करते हैं भाई, ऐसी है यार कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। भाई अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें तो भाई 2530 mm का व्हील बेस है भाई, बहुत बढ़िया, पीछे वाले बंदों को भी बैठने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है जो कंपनी बताती है। एक्चुअली इसके नीचे ये देखो ये फुट रेस्ट सा लगा होता है ना, तो भाई इसके करके भी थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मीन्स कम हो जाता है, पर वैसे काफ़ी है यार ये, नीचे नीचे लगेगी नहीं गाड़ी ऐसा, तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। अगर हम बैक साइड से देखें भाई इस पर, तो भाई जो बैक वाली लाइट्स भी हैं तो वो भी भाई हेलोजन सेटअप के साथ ही आती हैं भाई, ये देख सकते हो, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, नॉर्मल लैंप्स ये ऐसे दिए हुए हैं भाई। और ऊपर वाले शीशे पे भाई हाई माउंट स्टॉप लैंप भी नहीं दिया हुआ, ना पीछे कोई डिफॉगर दिया हुआ है, ना पीछे साइड पे कोई वाइपर दिया हुआ है। तो यार बेसिक एक्चुअली इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस है नहीं, तो मैं ज़्यादा इतना एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि जितने कम फंक्शन है बंदा उतना ही एक्सप्लेन कर पाता है। तो ये देख लो भाई, फिर भी 2 सेंसर्स कंपनी ने लगा के दिए हैं भाई पिछली साइड पे, ये अच्छी चीज़ है। सो गाइज ये गाड़ी भी भाई हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है,
सो मेन चीज़ बता दूं भाई, 2018 मॉडल है, सिंगल ओनर है और इंश्योरेंस हुई हुई है, 62,000 किलोमीटर डन है, तो नॉन एक्सीडेंटल है भाई, कहीं से कोई गाड़ी लगी नहीं हुई और इसकी प्रॉपर इंश्योरेंस है। और भाई दूसरी चीज़ ये देख सकते हो भाई, टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हो, एक टायर से अंदाज़ा लगा लो, और मैं आपको एक और टायर भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई टायर देख लो, एक्चुअली इस पर मिट्टी लगी हुई है तो आपको ऐसा दिख रहा है, टायर देख लो, टायर्स भी ओके हैं इसके। तो भाई अगर कोई इंटरेस्टेड होए इस गाड़ी को ख़रीदने में कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भाई नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करो और भाई पूरी पूरी डिटेल पता कर लो। और भाई अब ना हम इसके इंटीरियर में चलते हैं और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसका बूट स्पेस भी दिखाऊंगा। सो गाइस, इंटीरियर के बारे में बात करें तो भाई कुछ ऐसा दिखता है यार इसका इंटीरियर। सो मैं पहले एक चीज़ बता दूं भाई, आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कमर्शियल व्हीकल जो लोडिंग अनलोडिंग के काम आता है, या ज़्यादा पैसेंजर्स को ढोने के लिए, या सामान ढोने के लिए, तो आप उससे बहुत तगड़ा इंटीरियर एक्सपेक्ट करोगे। इसमें 5-speed गेयरबॉक्स आता है भाई, और यहाँ पे हैंड ब्रेक है, यहाँ पे AC दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा सिस्टम लगा हुआ है इसमें, तो आप चाहो तो भाई बाहर से इसमें अपना सिस्टम अपग्रेड करवा सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी हुई है रखने के लिए, यहाँ पे भाई ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, ग्लव बॉक्स में थोड़ी सी जगह अच्छी है, कुछ रखा जा सकता है। और यहाँ पे भाई स्पीडोमीटर दिया हुआ है, वो इसमें टैकोमीटर जो RPM वाला आता है वो तो आता नहीं है, और ये देख लो भाई कंपनी रिकॉर्ड 65,280 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी, ठीक है। ये यहाँ पे भाई फ्यूल एंड CNG का भाई वो दिया हुआ है, क्योंकि अब जैसे ये फ्यूल पे है, जब हम इसको स्टार्ट कर लेंगे तो भाई थोड़ी देर बाद ये CNG पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, तो यही है भाई इसमें। और यहाँ की आप देख सकते हो ऐसे भाई सीट कवर इस पर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे भाई देख लें भाई वेंटी मिरर नहीं दिया हुआ यहाँ पे भी, इधर देख लेते हैं शायद दिया हो ना भाई, इधर भी नहीं दिया हुआ। और जो भाई IRVM है वो भाई वैसे ही गाड़ियों में मैनुअल वाला आता है, इसमें भी मैनुअल वाला ही दिया हुआ है, ऑटोमेटिक वाला नहीं दिया हुआ है। तो और भाई जो बार वाले ORVM होते हैं इसमें तो भाई हैंड से फोल्ड करने वाले ही आते हैं, तो ये आप देख सकते हो। सीटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत खुली डुली है, जो इसका अब हमारा लेग स्पेस है, थाई स्पेस है, बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि बेसिकली ये काम ही, क्योंकि लंबे सफ़रों में सामान समून रखना है या और ज़्यादा बंदों ने बैठना है उसी के काम आती है, तो इसलिए भाई इसका सीटिंग सूटिंग तो बढ़िया रहेगा। पर ये मत सोचना कि भाई बहुत तगड़ा कंफर्ट रहेगा, कंफर्ट होता है बेसिकली फैमिली कार्स में, तो ये भाई लोडिंग अनलोडिंग के लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड। और एक बार भाई हम अब पीछे जाके पिछली स्पेस को भी देखते हैं भाई, ये देखो कुछ ऐसे खुलता है यार इसका दरवाज़ा साइड से, ये देखो खुल गया दरवाज़ा, ये भाई ऐसी कुछ दिखती है यार पीछे से, सीट कवर बढ़िया पड़े हुए हैं, एक बार भी बैठ के देख लेते हैं कैसा भाई, ये देखो ऐसा भाई, ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, लेग रूम तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा थाई स्पेस की कमी है पीछे, ये देख लो भाई हेड रूम देख सकते हो, सर मेरा ऊपर ही लगा हुआ है, यही है भाई जो है, मैं आपको सही बात बता दूँ। और साइड में आपको बता दूं भाई, 2 पैसेंजर साथ में और बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और एक बार भाई इसका ये देख लो बूट स्पेस, वैसे साइड में ये 2 बेंच लगाए हुए हैं बंदे बंदे ज़्यादा बिठाने के लिए, जैसे वो यार वो नहीं होते स्कूल वैन्स होती हैं, 10-12 बच्चों को छोड़ना है तो ठूस ठूस के बिठा लेते हैं बच्चों को, बस ये उसी के काम भी आते हैं। यहाँ पर भाई CNG का सिलेंडर भी लगा हुआ है, एक सिलेंडर इसके पीछे होगा आई थिंक, या इसके नीचे होगा इस, क्योंकि ये 2 सिलेंडर वाली गाड़ी है, तो ऐसे भाई खाली पूरा मीज एक बॉक्स को 4 पहियों पे रख दिया, ये वो वाली गाड़ी है जिसमें हम ठूस ठूस के बंदे या सामान भर सकते हैं। सो भाइयों कुछ ऐसा दिखता है यार इसका बूट स्पेस, जैसे 5 बंदे तो आगे बैठ गए, उसके बाद अगर तो आप यहाँ पे बंदे बिठा रहे हो तो चलो फिर बूट स्पेस नहीं बचेगा, पर अगर बंदे नहीं बिठा रहे तो भाई ऐसे भर भर के बूट स्पेस है यार इसमें, तो एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता कि कितना लीटर लूटर का इसका बूट स्पेस है, बट है भाई बहुत घना बूट स्पेस इसमें दिया हुआ है। एक बार इसको नीचे से देख लें, अच्छा ये यहाँ पे लगे हुए हैं टिच बटन से लगे हुए हैं इसमें, तो यही है भाई गाड़ी में। इसके ज़्यादा तो भाई इस गाड़ी में और कोई बहुत ख़तरनाक फीचर्स नहीं दिए हुए, हाँ ये है म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है इसमें, ये देखो यहाँ पर भाई सोनी का स्पीकर 1-2 यहाँ पे दिए हुए हैं। एक बार हम बारियों में भी चेक कर लेते हैं भाई इसके दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, मेरे को लगता है नहीं दिए होंगे, क्योंकि यार इसकी बारियाँ साइड से होके खुलती हैं ना, तो आई डोंट थिंक सो के दिए होंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं आगे जाके, ना यार यहाँ पे बारी में तो कोई स्पीकर नहीं आता, यहाँ पे भी कोई नहीं आता, यहाँ पे आता भाई 1 स्पीकर
इधर दो स्पीकर, पिछली बारियों में भाई कोई स्पीकर नहीं है, तो एक दो पिछले एंड पे आपको दो स्पीकर दिखेंगे। तो मीन्स टोटल चार स्पीकर आते हैं इस गाड़ी में, दो बिल्कुल एंड पे और दो आगे डैशबोर्ड के पास। सो गाइस यही था बेसिकली भाई ओवरव्यू इस गाड़ी का। तो अगर कोई भी भाई इस गाड़ी को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो, जिसको भी जिसका मेन पर्पज़ हो काम के लिए ख़रीदने हैं, तो भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो भाई, नंबर वैसे वीडियो में भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा भाई, पूरी डिटेल्स वहाँ से जान लेना। और प्राइस भाई जो है वो कॉल पे ही मीन आप पता कर सकते हो। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टूडेज़ वीडियो, मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।